नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक प्लस टू, जिसमें कि इंटर पास जो भी छात्राएं हैं उनको जो 25,000 रुपये मिलते हैं, तो इसके लिए जो 2023 के लिए अप्लाई जो हुआ तो उसमें जो है क्या है कि रेडी फॉर पेमेंट ही लिख रहा था इसमें, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में। लेकिन अभी क्या है कि जो है सेंड फॉर पेमेंट लिखने लगा है, और मैं आपको बता दूं कि पेमेंट जो है 8/6/2023 जो है बिल्कुल आपके अकाउंट में आना जो है शुरू हो गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अकाउंट चेक करेंगे या फिर यहाँ पर आकर के भी चेक कर सकते हैं कि पैसा आया कि नहीं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सेंड फॉर पेमेंट जो है यहाँ पर हो गया है, कैसे देखना है। तो यहाँ पर आना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्ट डाल सकते हैं या फिर चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके ही दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पर ये भी कारण बताएंगे जिनका अभी तक सिर्फ रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, तो उनको क्या करना है तभी उनको जो है पैसा मिलेगा, वो चीज़ भी हम बताएंगे यहाँ पर लाइव प्रूफ कर करके। तो चलिए सबसे पहले एक और यहाँ पर हम जो है कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर तो फीमेल रहेगा ही। उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट जो है कौन देखना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपका वन में अगर नाम है तो वन वाला पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कर दीजिए, तो देख सकते हैं किसी का भी रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है और किसी का आप देख सकते हैं सेंट फॉर पेमेंट। तो जितने भी सेंट फॉर पेमेंट वाले हैं यहाँ पर, जो भी सेंट फॉर पेमेंट जिनका भी दिख रहा है, तो उनका पैसा जो है बिल्कुल कल से भेजना शुरू है। तो आपको जो है 2-3 दिन के अंदर में अगर नहीं भी मिला है तो आ जाएगा, नहीं तो आप अकाउंट चेक करेंगे, अपना बैलेंस चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका पेमेंट जो है आ चुका है। अब बात करते हैं कि जिनका भी यहाँ पर सिर्फ अभी भी रेडी फॉर पेमेंट ही बता रहा है तो क्या करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी जो है लिस्ट वन और टू वाले का ही सिर्फ यहाँ पर जो है सेंट फॉर पेमेंट हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जो वन और टू वाले हैं उनका जो अगर रेडी फॉर पेमेंट सिर्फ बता रहा है, या फिर थ्री वाले को तो रेडी फॉर पेमेंट ही बताएगा, ठीक है, तो उनको क्या करना है, एक जो है महत्वपूर्ण काम करना है, वो जो है सबको करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि पेमेंट अगर आ जाता है तो कैसा दिखाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिपोर्ट वाले सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेटस चेक करना है। तो क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो हम डालेंगे यहाँ पर। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक आदमी का जो है यहाँ पर डाल लिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर सर्च कर देंगे तो आप देखेंगे क्या कि इनका जो है स्टेटस जो है करेंट स्टेटस वो दिखाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पेमेंट जो है यहाँ पर डन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आप UTR नंबर बन जाता है और यहाँ पर जो है यहाँ पर यस लिख देता है। और देख सकते हैं अगर किसी भी प्रकार से फेल होगा तब आपका यहाँ पर रीजन दिखाएगा कि किस प्रकार से जो है आपका फेल हुआ है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप पेमेंट जो है बिल्कुल डन हो चुका है और UTR नंबर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो देख सकते हैं 8/6/2023 को, यानी कि कल के डेट में जो ये जो है पेमेंट आया है। अब बात कर लेते हैं कि जिन भी स्टूडेंट का अभी तक रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है और लिस्ट वन टू में है, तो इसके लिए जो है आपको एक काम करना है, यहाँ पर स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट वाले में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड लिख लिया है। उसके बाद सिंपली ये दिया हुआ है कैप्चा ये भी लिख लिए हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक काम करना आपका जो है अभी भी अधूरा है। वो क्या अधूरा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल जो भी आपका नाम होगा ये आपका दिखाएगा, उसके बाद वेरीफाइड है ये भी दिखाएगा, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। और नीचे जब आएंगे तब आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये चीज़ देख लीजिए आप, अप्रूव फॉर पेमेंट में हर कुछ में देख सकते हैं आप टिक लग चुका है, लेकिन अप्रूव फॉर पेमेंट करना होगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूव फॉर पेमेंट, तभी ये जो है पैसा आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो है सब कुछ डिटेल्स देख लिया, उसके बाद पैसा लेने के लिए आप रेडी है, तो आपको तो पैसा लेना ही है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्रूव फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो है अप्रूव फॉर पेमेंट वाला यहाँ पर जो है सेक्शन खुल गया है। उसके बाद अपना देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपका है ये यहाँ पर है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर जरूर देख लेंगे और जो भी डिटेल्स है वो पीछे अपना देख लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्टेटस में यहाँ पर अप्रूव करना होगा वरना रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सब कुछ अपना देख लेंगे, अगर गलत होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, फिर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन और सब कुछ करना होगा, फिर से पूरा प्रक्रिया, ठीक है। तो अब क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका मदर का नाम देख सकते हैं यहाँ पर लिखना होगा, मदर नेम्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर आपका 12th वाला लिखना होगा, जो भी है 23 लाख जैसे है। उसके बाद स्टेटस में यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करना होगा। चलिए हम एक स्टूडेंट का जो है कर रहे हैं उसका हम सब कुछ यहाँ पर भर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टूडेंट का जो मदर का नाम है वो लिख लिए हैं और यहाँ पर रोल नंबर जो है वो लिख लिए हैं 23 लाख जो भी है आपका वो लिखेंगे।
उसके बाद आप स्टेटस पर यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्रूव करेंगे, ठीक है। सब कुछ सही है तो अप्रूव करेंगे, वरना अगर कुछ भी गलत है जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको अप्रूव करना है, सब कुछ सही है तो यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो है टिक करना होगा, देख सकते हैं जो टिक करने वाला है ये टिक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट, सिंपल यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली, क्या यहाँ पर जो है मैसेज बिल्कुल आ चुका है, शो हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपका डिटेल्स है वो होगा। उसके बाद क्या है आप गो टू होम पेज कर देंगे और यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका डिटेल सब कुछ है। उसके बाद देख सकते हैं सब कुछ में यहाँ पर जो है ओके लग चुका है, ओके का चिन्ह लग चुका है यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव फॉर पेमेंट में भी। तब आपका जो है वहाँ पर सेंट फॉर पेमेंट दिखाएगा, जो कि रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट जो है उसमें आपका जो है सेंट फॉर पेमेंट दिखेगा। उसके बाद ही जो है आपका पेमेंट जो है 5-6 दिन में आएगा। सेंट फॉर पेमेंट लिखने के बाद 5-6 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा। तो आप लोग जो है जिनका भी पेमेंट नहीं आया है, सेंट फॉर पेमेंट लिख रहा है, वो थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और जिनका भी ये काम नहीं हुआ है ये काम ज़रूर करें। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे, अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट जो है लटका रह जाएगा जब तक आप नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को जो है लोगों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।